हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ लिटिल मास्टर पब्लिक स्कूल। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट बेसिक ऑफ मैथ्स, मतलब मैथ्स में जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का यूज़ हम करते हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में। ओके, तो जो हमारे शेप्स फिगर्स है वो कितने टाइप्स की होती है? फिगर्स आर टू टाइप्स। ओके, सो फर्स्ट इज प्लेन शेप्स, सेकेंड इज सॉलिड शेप। प्लेन शेप को हम 2D भी कहते हैं और सॉलिड शेप्स को हम 3D भी कहते हैं। ओके, अब प्लेन शेप्स की बात करें तो जिसमें हमें एक ही सरफेस देखने को मिले, ओके, जिसका हमें उसका दूसरी साइड देखने को मिलती नहीं है, उसे प्लेन शेप कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर, जिसमें 4 साइड होती है, 1, 2, 3, 4, और ये 4 साइड इक्वल होती है। मतलब सपोज इसका जो मेजरमेंट है वही सभी साइड्स का मेजरमेंट होगा। ओके, मतलब जितनी भी साइड है वो कैसी होती है? इक्वल। ओके, तो अब यहाँ पे हम वो सब का मैटर नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे ये जानना है कि फिश, वर्टेक्स और इजिस क्या होते हैं। फिश जो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट। ओके, तो इस शेप में कितना है? एक ही है, सो 1 इज फिश। सेकेंड वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर, जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेप्ट या फिर जहाँ पे वो दोनों ज्वाइन होते हैं, तो ये वाले सेक्टर को क्या कहते हैं हम? वर्टिक्स या फिर कॉर्नर। ओके, तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ओके, अब एजिस की बात करें तो ये जो लाइन सेगमेंट है जहां से वो मुड़ रही है तो वहां से हम काउंट करेंगे, तो ये 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो एजिस कितने हैं? 4 है। वर्टिक्स के लिए आप याद रखना साइड, सॉरी कॉर्नर, वर्टिक्स के लिए आपको याद रखने हैं कॉर्नर और एजिस के लिए आपको याद रखने हैं साइड्स। अब बात करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के इक्वल होती है, जैसे जो इसका मेजरमेंट होगा वही इसका होगा। ओके, क्योंकि देखो आप देख ही सकते हो सेम है। अब जो इसका मेजरमेंट होगा वो इसका होगा क्योंकि इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो इक्वल दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड विल बी इक्वल। तो यहाँ पे फेस हमें ये शो हो रहा है तो 1 फेस। वर्टिसेस कितने हैं? तो वर्टिसेस हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। ओके, एजिस की बात करें तो 1, 2, 3, 4, इस तरह आप काउंट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको ये सब ही काउंट करके बताना होगा। अब ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल मतलब जिसमें 3 एंगल हो। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल, इस तरह एंगल मैक होते। जैसे जैसे आप आगे की क्लास में बढ़ोगे वैसे वैसे आपको सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आएंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको ये टॉपिक्स ही समझने हैं। ट्राइंगल होता है इस शेप का जिसमें 1, 2, 3 साइड होते हैं। जिस फिगर में 3 साइड्स होते हैं उसे कहते हैं ट्राइंगल। अब फेस हमें कौन सा दिख रहा है? ये वाला। ओके, मतलब 1 फेस। वर्टिस कितने हैं? तो वर्टिसेस कितने हैं? 1, 2, 3। ओके, एजिस कितने हैं? तो वो भी काउंट कर लेते हैं, ये 1, 2 एंड 3, 3 एजिस है। अब वैसे ही बात करते हैं हम सर्कल की। तो देखो सर्कल में ना ही वर्टिसेस होते हैं ना ही एजिस होते हैं। वाई? क्योंकि वर्टिस और एजिस का मतलब कि आते हैं जब हम लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करते हैं तब, और इस फिगर में हमें लाइन सेगमेंट कहीं पे भी दिखाई दे रही नहीं है। ये है सर्कल जिसमें सेंटर एक होता है, सेंटर में पॉइंट होता है, उसे ही कहते हैं सेंटर पॉइंट। ओके, यहाँ पे फेस कौन सा है? तो ये ही पूरा एक फेस है और वर्टिसेस 0, एजिस 0। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है किस फिगर में वर्टिसेस 0 होते हैं? तो सर्कल में। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा जिसमें मतलब वो आगे
मैसिव्स। आगे के वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, अभी के लिए आप इतना ही समझो और प्रैक्टिस करो, ओके। नेक्स्ट आता है आपका सॉलिड शेप। सॉलिड शेप में क्या होता है, 3D शेप होते हैं जिसका हम दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं। इस तरह का फिगर जो मतलब बॉक्स टाइप हो, ओके, तो उसे हम कहते हैं क्यूब, जिसमें फेसेस होते हैं 6। कैसे देखो, जैसे कि ये यहाँ पे है, तो ये ऊपर वाला अपर साइड, अब अपर है तो उसके डाउन भी होगा बॉटम साइड, ओके, फिर लेफ्ट साइड एंड ये वाला पार्ट राइट साइड, फिर सामने फ्रंट वाला पार्ट ये है, ओके, एंड बैक वाला पार्ट ये वाला है, ओके, ये वाला। तो इस तरह हम बता सकते हैं जो फेसेस है वो 6 है। इसके लिए आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डाइस, जो आप लूडो खेलते हो वो वाला डाइस सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है क्यूब का। एंड वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस है 8। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। नाउ एजेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, तो एजेस 12 है। इसी तरह सारे फिगर है आपको समझने हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में ये सारे शेप्स ड्रॉ करने हैं एंड इसके जो फेसेस है, वर्टिस है, एजेस है, वो भी राइट डाउन करने हैं और समझना है। सॉलिड शेप में आपको एक होमवर्क में दिए है कि आपको बताना है कि जो स्फीयर है, स्फीयर SPHERE, स्फीयर शेप किस प्रकार दिखता है, ओके, तो आपको स्फीयर शेप ड्रॉ करना है और उसमें फेस, वर्टिक्स और एजिस बताने हैं, उसमें होते हैं कि नहीं होते हैं। 3D शेप में आपको स्फीयर शेप ड्रॉ करना है, ओके, और आपको उसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है ताकि मुझे पता चले कि कौन से बच्चे कितना यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, एंड इट इज ओवर, ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।